The wavefront of light beam is given by the equation x plus 2y plus 3j is equal to c, where c is arbitrary constant. Then the angle made by the direction of light with the y axis. यहाँ पे given axis कौन सा है? Y axis है. तो हमें यहाँ पे एक चीज समझनी पड़ेगी. वो चीज क्या है? हमें ये समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन में कि जो डायरेक्शन ऑफ जो वेव है, डायरेक्शन ऑफ वेव फ्रंट है, जिसे मैं क्या लिखता हूँ या कुछ लिख देता हूँ मैं, ये जो डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ वेव फ्रंट इज अ कोसाइन एंगल मेड बाय द गिवन एक्सिस. तो गिवन एक्सिस क्या है यहाँ पे? वाई एक्सिस की बात की गई है. किसकी एक्सिस की बात की? गिवन एक्सिस कौन सा है? विद द वाई एक्सिस. ठीक है, तो हमें ये पता पड़ गया कि कॉस का एंगल बनेगा. तो देखो साइन तो वैसे गलत हो गया. अब हमारा आंसर बच गया एलिमिनेटिंग मेथड से 1 and 2. इन 1 and 2 में से हमारा आंसर होगा. तो कैसे निकालते हैं? अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस बीटा भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू वाई एक्सिस का जो दिया हुआ है. वाई एक्सिस का कितना मैग्नीट्यूड है? वाई एक्सिस का दिया हुआ है एक्स प्लस टू वाई, तो वो दिया हुआ है 2. और हम यहाँ बात करेंगे तो किस तरह से लिख सकते हैं इसको? आई के प्लस 2 जे के प्लस 3 के के. और इनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर. ठीक है, तो ये सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? थीटा यहाँ से अपना आ जाएगा कॉस इनवर्स 2 बाय, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4. 9 और 4 कितना होता है? 9, 4, 13 and 14. तो रूट ओवर 14 विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा डायरेक्शन ऑफ वेव फ्रंट इज ए कोसाइन एंगल मेड बाय द गिवन एक्सिस. अगर एक्स एक्सिस की बात होती तो आंसर हो जाता 1/14. अपने को वाई एक्सिस की बात करिए तो ये भी आंसर गलत हो जाएगा. दिस इज राइट फॉर एक्स एक्सिस. ठीक है,